हेलो फ्रेंड्स, मैं मालती सराफ। आइए, मालती किचन में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम एक मसाला बनाने जा रहे हैं कि जो मसाला आप रेस्टोरेंट की जो सब्जियां खाते हैं वो टेस्ट आएगा आपको। ये मसाले से आप मटर पनीर, पनीर मसाला, ग्रिल मसाला, पालक पनीर, मटर मेथी मलाई, दम आलू, छोला, जो भी ग्रेवी की रेस्टोरेंट की सब्जी आप खाते हैं, कढ़ाई वेज, आप सब सब्जियां बना सकते हैं। और ये मसाला एक साल तक खराब नहीं होता, फ्रिज में रखिएगा आप बना के। तो चलिए हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। और उसके लिए हमने क्या क्या चीज ली है, ये देखिए। ये मैंने 5 बड़ी डोडा इलायची ली है, ये मैंने दालचीनी ली है 1 टेबल स्पून, दालचीनी की मैंने इतने इतने टुकड़े तोड़ लिए है। ये मैंने 25 लौंग ली है, ये मैंने काली मिर्ची 1 टेबल स्पून ली है, काली मिर्ची साबुत दाने ली है, पिसा हुआ पाउडर नहीं लेने का है। और ये मैंने स्टार फूल होता है उसके मैंने टुकड़े कर लिए, 2 स्टार फूल लिए मैंने, जो सितारा कहते हैं उसे टुकड़ा कर लिए है। और मैंने बड़ी इलायची ली है 25 से 30, और कसूरी मेथी ली है 2 टेबल स्पून, और कच्चा जीरा लिया 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर। और मैंने इसमें ये तेजपत्ता लिया है 8 से 10, और मैंने 5 बड़ी सूखी लाल मिर्ची ली जिसको मैंने टुकड़े कर लिए और बीज निकाल दिए, क्योंकि हम ये सब्जी होती है पनीर वगैरह की हम बच्चों के लिए भी बनाते हैं, तो इसमें आप बीज निकाल देंगे तो मसाला बिल्कुल भी तीखा नहीं बनेगा। तो चलिए अभी हम एक एक चीज़ पैन में डालते हैं। सबसे पहले मैं दालचीनी डाल रही हूँ उसमें, और फिर दोड़ा इलायची और लवंग और काली मिर्ची और स्टार फूल, ये सब मसाला इसमें डाल रही हूँ, और ये हरी इलायची भी इसमें डाल रही हूँ। ये मसाले को हम गैस को हाई फ्लेम रख पे, गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, इसे मैं करीबन 2 मिनट भून लूँगी। अच्छा, अभी 1 मिनट के बाद में मैंने गैस का फ्लेम जो है मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, और ये तेज पत्ता भी इस पर डाल रही हूँ मैं। अभी लाल मिर्ची और कसूरी मेथी लास्ट में डालेंगे, क्योंकि लाल मिर्ची जलना नहीं चाहिए इसलिए हम लास्ट में डालेंगे। अभी फिर से मैं गैस का फ्लेम हाई कर रही हूँ, और फिर से 1 मिनट तक मैं इसको हाई फ्लेम में कंटिन्यूस ऐसे हिलाते हुए इसे मैं भूंज लूँगी अच्छे से। ये मसाले में जब जीरा तड़कने लगता है और जीरे की अच्छी खुशबू आने लगती है, तब हम गैस को, अभी फ्लेम को हमने स्लो कर दिया अभी, क्योंकि धुआं निकलने लगा है। और ये पत्ता भी इतना क्रिस्पी हो जाता है कि ऐसे इसको हम, ये देखिए कावा, देखिए आप, मैंने इसे हाथ से चूरा किया, तेज पत्ता चूरा हो गया, इतना क्रिस्पी होना चाहिए ये मसाला। अब मैं इसमें लाल मिर्ची का पाउडर टुकड़ा डाल दूंगी, और लाल मिर्ची को भी मैं करीबन आधा मिनट, मैंने अभी गैस का फ्लेम स्लो है क्योंकि मिर्ची जलनी नहीं चाहिए, बाकी मसाले हमारे अच्छे भून गए हैं। लाल मिर्ची 1 मिनट मुझे थोड़ी सी क्रिस्पी करनी है। मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दी अभी। आप ये मसाला बना के रखोगे, और कभी कोई चीज़ आपके घर में नहीं भी रही तो ये मसाला आपके घर में रहा तो आपकी सब्जी एकदम रेस्टोरेंट के स्टाइल बनेगी। अब ये मसाले को हम 5 मिनट एकदम ठंडा कर लेंगे, और फिर हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये मसाले को मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, ठंडा कर रही हूँ, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। ये देखिए, मसाला हमने जार में भर लिया है। हमें इलायची, दोड़ा इलायची, किसी का भी छिलका नहीं निकालना है। अभी हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करते हैं, अच्छा ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमने अच्छा पीस लिया है। पीसने के बाद में जब मसाला पीसते हैं तो हमें मिक्सी में 1 मिनट रहने देना चाहिए, नहीं तो आप अचानक खोलोगे तो आपको उसकी धार से खांसी आ सकती है। तो क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्ची डाली है सेकी हुई, तो इसे मैं 1 से 2 मिनट के बाद में खोल के आपको बताती हूँ। ये देखिए, मसाला पीसे 1 मिनट हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया मसाला पीसे गया है। ये देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे हम अच्छे सूखे जार में भर लेते हैं। ये देखिए, मसाले को हम जार में भर रहे हैं, ये देख सकते हो आप। ये देखिए मैंने मसाले को जार में भर दिया है। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है पूरे किचन में, आप बनाइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मसाले को कांच के जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पहले मैं सोचा इसमें रख दूँ, पर कांच के जार में ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए, ये मैंने कांच के जार में मसाला रख दिया है, और से ये एकदम एयर टाइट है, और इसे मैं अभी फ्रिज में रख दूंगी। आप बाहर भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं हमेशा मसाले फ्रिज में रखती हूँ। ये देखिए, हमने मल्टीपर्पज़ मसाला बनाया दोस्तों। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सब में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मसाला बनाइएगा, ये मेरा मालती किचन का सीक्रेट है जो मैंने अपना सीक्रेट आपसे शेयर किया है आज, और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनेगी।
मिलते हैं फिर कोई अच्छी सी डिश के साथ में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।